Assalamualaikum and a very good morning. Jaago Lahore के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन. उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. सुबह सुबह मैंने चाय का मग हाथ में ले लिया और जो मेरी मेहमान आई हुई थी मैं उनके साथ डिस्कशन करी थी कि सुबह सुबह बालों के मसाइल कितने ज्यादा हो गए. बाल वाइट होना शुरू हो गए सबसे बढ़ के, मतलब बालों में कहते हैं चांदी उतर आई है, ये वाला हिसाब होना शुरू हो गया. और कभी मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुई लेकिन अब मुझे बाल वाइट होने की प्रॉब्लम हो गया तो आपको भी हम बताएंगे, क्योंकि हमारी डॉक्टर जो है वो इसी शोबे को लेकर चलेंगी और हमें बताएंगी भी. और इसके साथ साथ जनाब आज हम स्किन के जो भी मसाइल होंगे वो भी डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले रिसर्च हम आपके साथ शेयर करते चले कि साउथ अफ्रीका में, यानी कि यहाँ पर जैसे मगरबी अफ्रीका कहा जाता है, वहाँ का एक गाँव है फासो. वहाँ पर आमतौर पर जो घर है वो तो मट्टी के बने हुए हैं लेकिन उसके साथ साथ इन घरों की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत नक्शोनिगार बनाए गए हैं. जनाब ये जो गांव है अपने इन खूबसूरत और जो कह लें मुनफरद किस्म के मट्टी से बने घरों की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है. इसका जो कहा जाए इसको गांव को 15वीं सदी में इसको बनाया गया था, बसाया गया था, जबकि यहाँ के जो लोग हैं वो घरों की जो दीवारें हैं उस पर नक्शोनिगारी करते हैं और उसमें चूने की मदद से और उसमें मुख्तलिफ कलर्स ऐड करते हैं. और जब वो कलर्स के साथ दीवार पर नक्शोनिगारी करते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं. और इसके अलावा वहाँ पर ये भी एक रिवाज है कि जब मुर्दों को दफन करने के लिए जो जगह बनाई जाती हैं उनके यहाँ उस पर भी वो नक्शोनिगारी इस तरह की करते हैं. और डेफिनेटली ये उनकी एक जो सकाफत है, ओल्ड अफ्रीकन सकाफत है, उसको उसके अंदर शामिल किया जाता है जिसकी वजह से वो मज़ीद अट्रैक्टिव हो जाती है. कदीम अफ्रीकी सकाफत जैसे हमने सकाफत मसवरी का यह हिस्सा है. और यहाँ के मौजूद अफराद के मुताबिक इनकी बैरूनी दीवारों को इस तरह के रंगों से आरास्ता करने की रवायत का आगाज 16वीं सदी में हुआ. और उन घरों की और ख़ास बात यह है कि इनके दरवाजे बहुत छोटे हैं और घर का जो दाखिली दरवाजा है नहायत मुख्तसर सा होता है. सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में शादियों का सीज़न भी बहुत ज़्यादा इन हो जाता है. और जब शादियाँ होती हैं तो इससे पहले लड़कियों को एक कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किन के साथ अपने बालों को ज़रा बेहतर हिफाजत की जाए, जो भी मसाइल हैं उनको हल किया जाए. उसके लिए वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, घरेलू जो टोटके हैं उनका इस्तेमाल करती हैं. और शादी से पहले चूँकि बहुत सारे स्किन के इश्यूज़ होते हैं, डेफिनेटली एक्ने है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो आपकी स्किन को हो सकते हैं, तो उनको किस तरह से क्योर करना है, अवॉइड करना है, उनके रिस्क को कम करना है ये हमें बताएंगी डॉक्टर सवेरा सैफ जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं. वेलकम टू शो डॉक्टर सवेरा, कैसी हैं? थैंक यू. ठीक है डॉक्टर सवेरा, इतना ब्राइट और इतना खूबसूरत कलर पहन के बहुत प्यारी है. थैंक यू. मैंने आते ही कहा ये मेरा फेवरेट कलर है, जब डॉक्टर सवेरा आई मैंने कहा वाह कलर. अच्छा जनाब डॉक्टर सवेरा, हम शादी सीजन की बात कर रहे थे पहले जी, कि आजकल स्किन बालों सबके मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली जो अनमैरिड लड़कियों की कोशिश होती है कि अपने बालों की सही या स्किन की सही से हिफाजत कर सके, तो क्या मसाइल होते हैं? बहुत ही कॉमन मसले हैं जो आजकल हम देख रहे हैं. और जैसे कि वेडिंग सीजन इज ऑन तो एवरीबडी इज इन टू इट कि हम अपनी स्किन को कैसे इम्प्रूव कर लें, कैसे बालों को ज़्यादा अच्छा शाइनी स्ट्रेट और जैसे भी रखना चाहते हैं वो रख लें. तो लोग काफ़ी कुछ यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि वो अनजाने में अननोइंगली वो अपने आप को मज़ीद नुकसान पहुँचा रहे हैं. क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर है कि डॉक्टर से ज़्यादा ना पार्लर वालों को ऑथेंटिक समझा जाता है हमारे लोगों में. और जिस तरह के ओवर द काउंटर आपको कोई चीज़ प्रिस्क्राइब कर दे या आपके आसपास का कोई दोस्त कोई आंटीज आपको बता दें आप वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, प्लीज़ अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को मुश्किल में मत डालें क्योंकि आपकी स्किन वैसी नहीं है जैसे आपकी साथ वाली आंटी की जी बिल्कुल. और वो बिल्कुल आपको गलत मशवरे दे रहे होते हैं एंड यू एंड अप विद वर्स प्रॉब्लम्स. तो इसलिए बेहतर ये है कि आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को आके दिखा दें कम से कम, और किसी भी आम डॉक्टर को इसलिए ना दिखाएं कि एवरीबॉडी डज नॉट नो द स्किन. स्किन एग्जैक्टली स्किन इज अ टोटली डिफरेंट स्पेशलिटी जिसकी ट्रीटमेंट हर डॉक्टर नहीं कर सकता. सो प्लीज कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि करीबी डॉक्टर ने किसी ने प्रिस्क्राइब की लेकिन उन्होंने हो सकता है जिस मकसद के लिए की हो वो उसके साथ सही नहीं है. तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने प्रॉब्लम्स के लिए प्लीज कंसल्ट अ स्किन स्पेशलिस्ट ओनली. अच्छा पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि आप ओवर द काउंटर जो आप चीज़ें खरीद रहे हैं स्पेशली हमारी नेशन को जो क्रेज़ है वाइटनिंग क्रीम्स का, प्लीज़ वो वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल ना करें. उसके अंदर बहुत ही डेंजरस किस्म के उन्होंने केमिकल्स डाले हुए हैं. आप अच्छे कपड़े पहन लेंगे अपनी स्किन को नेचुरली ख्याल रखेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. उसके अंदर बहुत ही उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही डेंजरस किस्म के और कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉजिंग केमिकल्स और मेटल्स हैवी मेटल्स यूज़ किए हैं जिसके अंदर आर्सेनिक मर्करी लेड और उसके अंदर स्टीरॉइड्स की इतनी ज़्यादा मकदार कि जो आपकी
स्किन को एकदम से, तो शुरू शुरू में तो बहुत ऐसे लगेगा जैसे ग्लो कर रही है स्किन, लेकिन इन द लॉन्गर रन उसके अंदर आपके मोटे बाल निकल आते हैं, मुंह पे बहुत ही मुश्किल से हटने वाली एक्नी निकल आती है और फिर पिगमेंटेशन हो जाती है. इन तीनों बड़े बड़े मसाइल को जिसको आप ट्रीट करने में एक पूरा साल भी लग सकता है, तो आप प्लीज़ अपने मुंह पे खुद पैसे खर्च करके ना लेकर आएँ. वो वाइटनिंग क्रीम जो कि आराम से मार्केट में अवेलेबल हैं, कमर्शलाइज हो रही हैं, सैडली टू से उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है. डॉक्टर सवेरा, और शादी से पहले से लड़कियां ज्यादा इस तरह की हरकतें कर लेती हैं. बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम आजकल हम अपने ओपीडी में देख रहे हैं कि जो जनरली हमारे पास पॉपुलेशन आ रही है, जी हमारे अगले हफ्ते शादी है या दो हफ्ते बाद शादी है, और आपका चेहरा इतना खराब है, इतने ज्यादा एक्नी है, बाल कहीं कहीं है, तो उसको बिल्कुल एकदम से ठीक करना डॉक्टर कैसे पॉसिबल है. आप पिछले 6 महीने से, और जब उनसे पूछा जाएगा आप क्या इस्तेमाल करती रही हैं, पहले तो वो डिनाई करते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा प्रोब करो तो फिर वो कन्फेस कर लेते हैं कि जी हाँ हमने फलानी फलानी वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल की है. तो प्लीज़, और दूसरी बात ही वो जो मिक्सचर ऑफ क्रीम्स जो पार्लर में अक्सर प्रमोट की जाती हैं, प्लीज़ वो भी ना इस्तेमाल करें. उसके अंदर ही बेतहाशा मुजर किस्म की चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के आपको बेचा भी जाता है और गोरा करने का क्लेम किया जाता है, बिल्कुल भी आपको गोरा नहीं कर सकता. आपकी जो स्किन टाइप अल्लाह ताला ने दे दी है उसके साथ खुश रहें, ये कोशिश करें कि हाँ उसको साफ़ सुथरा हेल्दी रखें, और उसको जितना आप प्रेजेंटेबल बना सकते हैं उसमें उसको अच्छा करने में कोई मजाक नहीं. लेकिन अगर आप इस नीयत से करेंगे मैं वाइट हो जाऊँ या मैं गोरी लगूँ, तो प्लीज़ उसमें आप रियलिटी में रहेंगे जो अल्लाह ताला ने हमें स्किन टाइप दी है. लर्न टू लिव इन इट हैप्पीली. एग्जैक्टली. और आप वैसे ये भी एक पॉइंट है कि हमारे यहाँ नॉर्मली आइडियलाइज किया जाता है एक्ट्रेसेस हैं जो टीवी ड्रामास में आती हैं, फिल्म्स में आती हैं, इंडियन एक्ट्रेसेस हैं, अब ये सब मुंह पर पता नहीं क्या क्या लगाती है. खुदा का नाम, इनको देखकर आप बिल्कुल आइडियलाइज ना हुआ करें. इवन हम लोग जहाँ पर बैठे होते हैं हमने मुंह पर इतनी मोटी एक लेयर लगाई होती है. तो इस तरह से अगर आप लोगों को आइडियलाइज करके अपनी स्किन के साथ मजाक करते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है. अच्छा डॉक्टर सवेरा, एक्ने बहुत कॉमन है और शादी से पहले लड़कियों को क्योर करने के चक्कर में मजीद बिगाड़ लेती हैं. कम कैसे करना है स्ट्रेस को? आपने बात बिल्कुल ठीक ही कि स्ट्रेस जो आ रहा हो रहा होता है ना लड़कियों को विद द कमिंग अप्रोचिंग वेडिंग सीजन, और आपकी अगर खास हो कि आपकी अपनी खुद की है तो वो एक स्ट्रेस का एलिमेंट होता है कि एक प्रेशर सोसाइटी का कि अच्छा लगना है, बेस्ट लगना है, परफेक्ट लगना है, तो उसका जो प्रेशर होता है वो भी एक स्ट्रेस फैक्टर होता है. और फिर आप यू आर गोइंग अराउंड शॉपिंग हेयर एंड देयर और ये सिलेक्ट करना वो शॉप करना, तो इसलिए काफ़ी कुछ हो रहा होता है इन द लास्ट फ्यू डेज. तो एक्नी का वैसे ही अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फ्लेयर होने के चांसेस होते हैं क्योंकि स्ट्रेस इज़ अ बिग फैक्टर. अच्छा, अब ये है कि उसके साथ साथ वही बताया कि वाइटनिंग क्रीम्स, उसके अलावा एक और चीज़ जो हमारी लड़कियाँ करती हैं जब उनकी शादी करीब होती है कि वो फेशियल्स लेना शुरू कर देती हैं. अब फेशियल्स लेने से ये होता है कि जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्नी है वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर होती है क्योंकि वो इरिटेट होती है किसी के भी हाथ लगने से या आपके अपने हाथ लगने से भी. एक्नी जो होती है वो फ्लेयर हो जाती है, वो इरिटेट हो जाती है, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती है बजाय इसके कि कम हो. तो इसलिए जो जो लड़कियाँ जिन बच्चियों की शादी होने वाली है और उनको ऑलरेडी एक्नी की प्रॉब्लम है, तो मैं उनको एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ ये आप फेशियल्स मत लें. आप अभी बता रही थी कि आपके पास इमरजेंसी में ज़्यादातर यही केसेस आ रहे हैं जो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करके और अपनी स्किन की बुरी हालत करके आ जाए. हमारे आउटडोर में बहुत ज़्यादा इस तरह के तादाद में पेशेंट्स में आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं इस होप में कि वो बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे. गोरे तो वो नहीं होते हैं, अपनी स्किन को बर्न करके आ जाते हैं और वो इतना मुश्किल होता है ट्रीट करना. आपकी स्किन थिंड आउट होती है, आप इसके ऊपर की जो स्मॉल कैपिलरीज होती हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, बाल आना शुरू हो जाते हैं और जिल्द बिल्कुल लाल हो जाती है, इतनी लाल हो जाती है कि वो आप बिल्कुल नॉर्मेलिटी से हट के अच्छा नहीं लग रहा होता. तो प्लीज़ ये वाली वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल ना करें, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके साथ साथ जो शुआएं हैं सूरज की वो मज़ीद आपकी स्किन को डैमेज कर देंगी, यहाँ तक कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स भी उसके अंदर मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं. तो आई होप कि हमारी आवाम को इतना शऊर आ जाए हमारी अवेयरनेस के थ्रू कि हम हर मरीज जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं हम उन्हें समझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन पब्लिक एट लार्ज को ये पता होना चाहिए कि ये वाइटनिंग क्रीम से ना अपना पैसा ज़ाया करें, ना अपना वक्त और ना अपनी जिल्द ज़ाया करें. बिल्कुल. ऐसे में से कॉलर जी सबा, अस्सलाम वालेकुम. ऑनलाइन ड्रॉप हो गई सबा की. अच्छा जी, आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर हमारा स्क्रीन पर है. खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर आपकी स्किन के साथ कोई मसला है, आपने भी कोई इस तरह की क्रीम इस्तेमाल कर ली है, तो डॉक्टर सवेरा आपको गाइड तो कर देंगे. और हम साथ साथ बार बार यही कह रहे हैं कि इन स्किन आप जो क्रीम्स हैं इनका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ये आपकी स्किन को तबाह कर देती हैं. मैंने लिटरली एक सैलून पे मैं गई और मैंने एक केस देखा डॉक्टर सवेरा, वहाँ पर उस लड़की की स्किन देखी नहीं जा रही थी, उसने क्या वो जो
क्रीमें मिलाकर करते थे वो इस्तेमाल किया। डॉक्टर सफिया, कुछ लोग लड़कियों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हम लोग सिर्फ उसके ऊपर क्रीम सारी अप्लाई करते हैं, हम चेकअप नहीं कराते, वो भी स्किन को खराब करते जी। बिल्कुल, अगर बहुत पहले से मसला है एक्नी का तो जरूर ये जरूरी है कि आप अपनी सारी चेकअप कम्प्लीट चेकअप करवाएं। इसके लिए आपका एक पूरा हार्मोनल प्रोफाइल होता है जो हम करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज, वो करवा के उसमें वैल्यूएट करना होता है कि देयर आर एनी इररेगुलर साइकल्स। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें अलामत आपके अंदर आ रही हैं विद टेस्ट सपोर्टिंग द एविडेंस, तो फिर हम उनकी जो असल कॉज है द रूट कॉज ऑफ द एक्नी वो हम ट्रीट करते हैं। वो ट्रीट करने के बाद एक वी ऑलवेज लाइक कि हम एक गायनेकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करें जो कि उनकी इररेगुलर साइकल्स को इम्प्रूव कर दें या ट्रीट कर दें, और फिर हम उनको लेज़र ट्रीटमेंट डिवाइस करते हैं फॉर हर्सुटिज्म, जो बाल गैर ज़रूरी बाल या मोटे बाल चेहरे पे आ जाते हैं उसके ऊपर जो है IPL लेज़र का बहुत अच्छा रोल है, SHR हमारे पास अवेलेबल भी है हॉस्पिटल में, तो वो लोग काफ़ी उससे फ़ायदा हो जाता है लोगों का कि वो जो मोटे बाल होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फ्यू सेशंस के अंदर पतले होना शुरू होते हैं। लेकिन उसके शर्त साथ ये है कि आपका अंदर का जो हार्मोनल इंबैलेंस है वो ट्रीट हो जाए, वरना फिर वो रिकरेंस जब होती है तो पेशेंट बहुत डिसअपॉइंट होते हैं कि जी हमने सेशंस भी करवाया दोबारा वापस आ गए बाल। तो इसलिए आप साथ साथ ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ लेज़र ट्रीटमेंट हैज़ वेरी गुड इफेक्ट। तो ये सेफ भी है और बिल्कुल सेफ है, मतलब सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ में हम अवॉइड करते हैं, और फॉर रिसर्च पर्पसेस अभी इस पर चल रही हैं कि इसकी सेफ्टी कितनी है, लेकिन हम टू बी ऑन द सेफ साइड प्रेग्नेंट लेडीज़ को एडवाइस नहीं करते। अच्छा डॉक्टर सवेरा, हमने लड़कियों की डाइट ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, डाइट हम बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, हम क्रीम्स पे चल जाते हैं, डॉक्टर से रब्ता कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड हमारी डाइट अच्छी नहीं। हाँ, जैसे जैसे करीब आते हैं शादी के साथ डाइटिंग जो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ देने वाली डाइटिंग वो शुरू हो जाती है, जो कि आपकी स्किन और हेयर एंड नेल्स पे बहुत ज्यादा नजर आती है, क्योंकि वो फिर वो ग्लो नहीं रहती, वो शाइन नहीं रहती आपकी स्किन के अंदर, आप पतले होने के चक्कर में बहुत कुछ और लूज कर रहे होते हो। तो इसमें ये जरूरी है कि आप डाइट करें, आप सारा जितना भी फ्राइड फूड है, जंक फूड है, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सोडा कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, ये छोड़ दें, ये वेट गेनिंग प्रोडक्ट्स हैं या फूड है। इसके अलावा आप जूसेस फ्रूट्स आजकल इतने अच्छे जो भी सीजन में आ रहे हैं आप वो खाएं, फ्रेश बिल्कुल वो खाएं विद द फाइबर एंड एवरीथिंग। ठीक है, एक तो आपकी गट जो है वो सारा आपका जो नेचुरल डिटॉक्सीफाई होते हो आप, दूसरी बात ये कि बहुत ही अच्छे विटामिंस मिनरल्स आपको फ्री में मिल रहे हैं फ्रूट्स के थ्रू, तो व्हाई नॉट स्विच टू फ्रूट्स एंड सैलड्स और हेल्दी डाइट इंस्टेड ऑफ। बिल्कुल ही आप अपना ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, आप अंडा छोड़ देते हैं, आप अंडा खाएं, आप बॉईल करके खाएं, आप फ्राइड अंडा मत खाएं, ठीक है, आप प्रोटीन जरूर लें, आप एसेंशियल विटामिन मिनरल्स अपनी डाइट में लें। और आजकल तो बहुत ही आसान है, इस कदर इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे कि आप किस चीज़ में क्या चीज़ क्या प्रोडक्ट्स हैं, किन प्रोडक्ट्स में क्या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, आप उन पर सर्च कर लें और अपना एक डाइट प्लान खुद से बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन लाइफस्टाइल, अपनी डेली एक्टिविटीज़ के हिसाब से। तो आप एक अपना डाइट प्लान बना लें, उसमें फ्रूट्स जूसेस वाटर इनटेक को मेन रखें, और साथ में सैलड्स और रोटी की मकदार आप अगर दो खाते हैं एक कर दें, एक खाते हैं आधी कर दें, और राइस को ज़रा कट डाउन कर दें, राइस हफ्ते में सिर्फ एक से ज़्यादा दफ़ा ना लें, तो आप ऑटोमेटिकली वेट भी लूज़ करेंगे लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर स्किन हेयर एंड नेल्स की अच्छी क्वालिटी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सवेरा, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी। जनाब शादी सीजन है, मुझे पता है कि हर लड़की ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत नजर आए, स्किन फ्रेश हो जाए, बाल अच्छे हो जाए, लेकिन अपनी स्किन के साथ इन वाइटनिंग क्रीम्स के नाम पर बिल्कुल मजाक ना करें, क्योंकि स्किन वो सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि शादी से पहले अगर अपनी स्किन के साथ इतना बुरा सलूक करेंगे तो शादी से पहले आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि आप अपने अब बिग डे पर अच्छी लगेंगी, तो लिहाजा अवॉइड करें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।